प्रॉपर्टी को लेके हमारे देश के अंदर बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं, तो आज की वीडियो के अंदर हम यही डिस्कस करेंगे कि आप उन सभी फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं और आपको क्या-क्या काम करने हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश संधू एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहला काम आपको वहां पे ये करना है कि आपको वहां पे प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट चेक करने हैं कि जो प्रॉपर्टी मैं खरीद रहा हूँ इस प्रॉपर्टी के इस जमीन के पूरे कागजात हैं या फिर नहीं है। तो ये था पहला काम कि आपको सारे डॉक्यूमेंट चेक करने हैं। उसके बाद जब आप प्रॉपर्टी को खरीदेंगे तो आपको सबसे पहले वहां पे उस प्रॉपर्टी का इंतकाल करवाना है। इंतकाल को बहुत सारी स्टेट के अंदर दाखिल खारिज भी बोलते हैं और बहुत सारी स्टेट्स के अंदर इंतकाल भी बोलते हैं। इसको इंग्लिश में म्यूटेशन बोलते हैं। मतलब कि गवर्नमेंट रिकॉर्ड के अंदर आपको वहां पे अपना नाम एंटर करना है कि आप उस प्रॉपर्टी के मालिक हैं, आप उस प्रॉपर्टी के ओनर हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो गवर्नमेंट रिकॉर्ड के अंदर आपका नाम वहां पे नहीं होगा, गवर्नमेंट रिकॉर्ड के अंदर उसका ही नाम होगा जो पहले से ही उस प्रॉपर्टी का ओनर है, मतलब कि जिसने आपको प्रॉपर्टी वो बेची है। प्रॉपर्टी फ्रॉड यहीं पे होते हैं। लोग क्या करते हैं कि जमीन को खरीदते हैं, किसी प्रॉपर्टी को खरीदते हैं, उसका इंतकाल नहीं करवाते हैं और जो ओनर होता है गवर्नमेंट रिकॉर्ड के अंदर उसका ही नाम होता है और वहां पे वो उस प्रॉपर्टी को कई और लोगों को बेच देता है क्योंकि गवर्नमेंट रिकॉर्ड के अंदर उसी ओनर का नाम होता है। तो आपको क्या काम करना है कि जब आप प्रॉपर्टी खरीदें आपको वहां पे उस प्रॉपर्टी का इंतकाल करवाना है। आप तभी उस फ्रॉड से बच सकते हैं, अदरवाइज आप उस फ्रॉड से नहीं बच सकते हैं। तो यही था आज के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए।